अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। पाकिस्तानी आर्मी, तुर्की आर्मी और आज़रबाईजानी आर्मी तीनों एक साथ, और इनका एक नया क्लिप अभी रिसेंटली आया है। और हमें फ़ौरन फरमाइश आई थी कि इस पर अपने रिएक्शन लेकर आएँ, तो हम अपने रिएक्शन लेकर आए हैं। तो फ़ौरन इसको चलाते हैं। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि तीनों की कैसी, और पहले भी हमने इसकी एक वीडियो देखी हुई है, लेकिन ये सुना है कि उससे भी अच्छी है। तो लेकिन इसको चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलें आप देखते हैं। पाकिस्तान। सोलह तुर्क। ये पाकिस्तान पूरा तैयार ही झंडा बना बना J-17 थंडर। यूट्यूब हो ओ, ये पाकिस्तान SSC कमांडो से सब मिक्स है। ये तुर्की के जो सी है वो है तुर्किस्तान। हमें बहुत कारगिल पे ना? नहीं नहीं, मुख्तलिफ है, अलग अलग इनके एक्सरसाइज हो रही है। हाँ। नहीं, मुझे बर्फ वाला था वो सियाचिन। सियाचिन, सॉरी। ये सब इस सब पे रिएक्शन कर चुके हैं। हाँ। आलते टैंक भी है। हाँ। लेजर वाला भी है। हाँ। ये ड्रोन बहुत अच्छा सारा एक जगह रखा है। ओ, वो देख पीछे से आ रहे हैं। ये शो होगा भाई। हेलीकॉप्टर गुजरे हैं ऊपर से वो गए। वाह। ओ, ये क्या था? ये रॉकेट है, वो याद नहीं है पे किया हुआ हमने। ये कौन सी व्हीकल है? ये भी इस तरह की भी व्हीकल हमने किया भी रिसेंटली। ये आलते हैं और दूसरे हैं। हाँ। पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, तीनों तीनों इसी वजह से सब कहते हैं। पानी से निकले। ये पाकिस्तान कैसे हैं? ये वहां की पाकिस्तान। ये जंदरमा। ये जंदरमा थी। हाँ, जोक थी जनजर्मा की। पाकिस्तान। किम जी के भी इसी के नाम पे। वो ये पाकिस्तान SSC। वो सबमरीन। वो ये इसके मशीन गन। ये वो है मैरून बैग। ये देखा था ना, ये पाकिस्तान। ये मैरून बैग। ऊपर भी थे बैठे स्नाइपर। ऊपर भी बैठे रहे थे वो स्नाइपर थे ना। ये पैराशूट के बाद।
जीतना मुश्किल होता है, बिल्कुल एक खुले मैदान में, पता ही नहीं आपको। पाकिस्तान क्या है, क्या चीज? सारे सियाचिन नहीं हो सकते, मुख्तलिफ लेजेंड्स में हम लोग हैं। सियाचिन में बहुत एक स्पेशल एक कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, ऐसे नहीं आप घूम सकते। वाइट कॉस्ट्यूम होता है, नहीं उनकी जो नीचे वाली बेस है। हाँ वो वहाँ हो सकते हैं। हो इतने ज़्यादा कठिन अटर्नी पाकिस्तान और अजरबैजान तुर्की तीनों के बहुत ऐसे हम सबसे आगे हैं। कितना होता है, कितनी बड़ी क्रांति हो। ये वही मच्छर है हॉस्पिटल। ये मिसाइल तो नहीं देखे थे हमने, बोले जा रहे आ जा भाई। अब आ जा भाई जान शुरू हुआ। ये पाकिस्तान सबका उन्होंने J-17 थंडर सबके सब फोर्सेस सबके सब जब यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज सारी इकट्ठी होती है। ये तुर्की टर्किश ये सब जोक भी है, जंडरमा भी है, सब है। ये सारे मिक्स पाकिस्तान के ऐसे भी कमांडर हैं। हाँ स्पेशल फोर्स है सारे। ये जो तुझे म्यूजिक चल रहा है ये उस्मान गाजी का, कुरलुत उस्मान का। कितना मजा आता होगा। ये इशारा होता है कि मैं खोने लगा हूँ, उसके बाद ये करेगा। ये हमारे हैं अजमान। ये हमारी नेवी नेवल जो होती हैं, ये देखो एंटी एयरक्राफ्ट, ये देखो ये नेवल में होती हैं। बहुत खतरनाक दुकान है, ये रेंज भी बहुत हो रहा है। ये जंडर मैन सब मिक्स था, नहीं ये वाले जो थे ना ये जंडर मैन, लेकिन ना शुरू से लेके अभी तक मिक्स है। हाँ पाकिस्तान J-17 थंडर, इसे सब डरते हैं। और F-16 तुर्की के, ये देखो उल्टा उल्टे है उसने वो निकाल रहा है। हाँ ये तुर्की का, वो पिछले वाले तुर्की का झंडा नजर आ रहा था। नेवल फोर्सेस है ना, अंदर बहुत ज्यादा है ना पानी। ये भी तुर्की है, ये तुर्की। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। लास्ट में जो एक भेड़िए की आवाज़ आई yes. वहाँ से पता चल गया कि क्या नाम है, इस वीडियो को बनाने वाले जो हैं तुर्किश हैं, क्योंकि हाँ. भेड़िया ही हमेशा पीछे रहता है हाँ. और बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत डिटेल वीडियो था और तीनों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, सबको प्रॉपरली दिखाया गया और सबके सब लीथल थे और ख़तरनाक थे। क्यों फिर? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इनकी, उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं थी इस वीडियो में जो कि ना दिखाई भी हो। बिल्कुल चंक्स थे सबके सब और बहुत अच्छे थे। हाँ। हर डिपार्टमेंट उन्होंने दिखाया और कितनी लीथल है और कितनी वो, यानी कि उनका इक्विपमेंट कितना हैवी है, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। यानी कि मज़ा आ जाता है आपको देख के और आपका एनर्जी लेवल और अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा था। वही कहते हैं ना कि एक आर्मी अगर आपकी मजबूत हो तो आप हमेशा सेफ फील करते हैं। हाँ। और आप हमेशा सुकून की नींद सोते हैं कि हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे मौजूद है और उन्हीं की वजह से हम सेफ फील करते हैं। और यही अगर ऐसी आर्मी बॉर्डर्स पे हो तो हम तो बस सोते ही रहते, तो उनसे हमें कोई टेंशन नहीं है।
तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये अंकिची राहू को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनके साथ साथ हमें भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर अगली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहा करें। इसी अच्छी वीडियो के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।